हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रोनासांस एज की। और ये इम्पॉर्टेंट है हर एक स्टूडेंट के लिए, चाहे वो सोशियोलॉजी का हो, ह्यूमैनिटीज़ का हो, आर्ट हो का हो या लिटरेचर का हो। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ रोनासांस? रोनासांस, द टर्म रोनासांस मीन्स द रीअवेकनिंग और रीबर्थ। सो रीबर्थ हम कब कहते हैं? जब किसी का पुनर्जन्म हो। और पुनर्जन्म कब होता है? जब कोई मृत्यु से उठ के आए। दैट मीन्स वन हु स्टैंड अप फ्रॉम डेथ, वन हु अवेकन फ्रॉम डेथ, सो इट इज़ नोन एज रोनासांस। अब डेथ किसकी हुई थी? यस, इट वॉज आर्ट एंड लिटरेचर दैट वॉज डेड। हमें मालूम है जब ग्रीक का फॉल हुआ और रोम का फॉल हुआ ईयर 476 AD में, उसके बाद कोई भी आर्ट, चाहे वो फिलोसफी हो, ह्यूमैनिटीज़ हो, आर्ट हो, पेंटिंग हो, ये टोटली बंद हो गया था। सो इट वॉज नोन एज द मिडिल एजेस बिटवीन 476 AD टू 14th century। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डार्क एजेस। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द एज ऑफ इग्नोरेंस। अब समझते हैं रीअवेकनिंग हुई कैसे, रीबर्थ हुआ कैसे। तो उसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना, बैक में जाना पड़ेगा। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सिटी ऑफ जेरूसलेम, जिसे जीसस क्राइस्ट का बर्थ प्लेस कहा जाता है, उसको अरब आर्मी ने कैप्चर कर लिया और वहाँ पे जो यूरोपियंस थे उनको भगा दिया वहाँ से। तो ये जो यूरोपियंस थे बाकी के कंट्री में जाके सेटल हो गए, यूरोपियन कंट्रीज़ में, जैसे जर्मन, इटली और बाकी की जगह में। अब पोप ने कहा कि हम अपनी होली सिटी वापस लेके रहेंगे और ऑर्डर किया यूरोपियन कंट्री के सभी राजाओं को कि आप अपनी आर्मीज लेके जाइए और कैप्चर कीजिए सिटी ऑफ जेरूसलेम। ऐसा ही किया गया। इसी रिलीजियस वॉर को क्रूसेड्स कहा गया है, जो सबसे पहले ईयर 1095 में स्टार्ट हुआ और लास्ट क्रूसेड हुआ 1450 के अबाउट। इन क्रूसेड से यूरोपियन किंग्स को कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ और ये बुरी तरह अरब रूलर्स से हार के आए। लेकिन अच्छी चीज़ ये हुई कि ये रूलर्स अपने साथ वहाँ से ग्रीक और रोमन लिटरेचर अपने साथ ले आए। मैंने आपको बताया था कि इस्लामिक रूलर्स ने ग्रीक और रोमन लिटरेचर को बहुत अच्छे से सहेज के रखा था और इनका रिलीजन ग्रीक लिटरेचर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ है। तो जब यूरोपियन किंग ये अपने साथ लिटरेचर ले आए, उसके बाद वो स्टडी करने लगे ग्रीक लिटरेचर एंड रोमन लिटरेचर एंड ऑल द क्लासिकल लिटरेचर। लेकिन पहले उनको थोड़ा तकलीफ़ हुई क्योंकि इट वॉज रिटन इन ग्रीक एंड अदर क्लासिकल लैंग्वेजेस, बट दे वेयर सक्सेस इन ट्रांसलेटिंग इन लैटिन, फ्रेंच एंड इंग्लिश। जब ट्रांसलेशन हुआ तो कॉमन मैन भी क्लासिकल लिटरेचर पढ़ने लगा और समझने लगा। सो दिस वॉज द एज वेन राइटर स्टार्ट इमिटेटिंग द क्लासिकल लिटरेचर एंड क्लासिकल राइटर। देन इन ईयर 1450 जर्मनी में जोहान्स गुटेनबर्ग ने इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस किया। इसके कारण बहुत सारी बुक्स लिखी जाने लगी, ट्रांसलेट होने लगी क्लासिकल टू न्यू लिटरेचर और एक फ्लड सा आ गया बुक्स का और राइटिंग्स का। दिस वॉज द एज ऑफ रोनासांस। रोनासांस सिर्फ लिटरेचर में नहीं आया, ये आया आर्ट, पेंटिंग, आर्किटेक्चर, फिलोसफी, ह्यूमैनिटीज़। आप लोगों ने द मोनालिसा पेंटिंग के बारे में सुना होगा, द लियोनार्डो डा विंची ने बनाई थी। इट वॉज द रिजल्ट ऑफ रोनासांस। द लास्ट सपर पेंटिंग ऑफ द लियोनार्डो डा विंची इज ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ रोनासांस। रोनासांस स्टार्ट हुआ फ्लोरेंस इटली द मेडिसी फैमिली से, के बाद फ्रांस में, देन टू होल यूरोप। मेन आर्टिस्ट ऑफ रोनासांस आर राफेल, डांटे अलिगेरी, पेट्रार्च, माइकलांगेलो, लियोनार्डो डा विंची एंड एट्सेट्रा। चौसर, विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, विलियम टिंडेल आर द रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश रोनासांस। विलियम टिंडेल एंड हिज वाइवल, इट इज़ ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ रोनासांस। शेक्सपियर के प्लेस में ग्रीक और रोमन्स का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। कहा जाता है 1/3 ऑफ वर्क आर डायरेक्टली टेकन फ्रॉम ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय ओविड, होरेस, सेनेका एंड वर्जिल एंड हिज रोमन वर्क्स आर जूलियस सीजर, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, कोरिलेनस
टाइटस एंड्रोनिकस. दीज आर द वर्क विच वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय रोमन लिटरेचर. वन ग्रेट पोएट नेम एडमंड स्पेंसर और उनका वर्क द फेरी क्वीन. जॉन मिल्टन और उनका वर्क द पैराडाइज लॉस्ट. रोनासांस ने यूरोप को बहुत कुछ दिया, न्यू इन्वेंशंस, न्यू बिजनेस एंड न्यू वर्ल्ड्स लाइक अमेरिका एंड अफ्रीका. रोनासांस पीरियड चला 1300 से 1600 एडी तक. सो थैंक यू फ्रेंड्स, होप आप लोगों को रोनासांस समझ में आया हो. स्टे कनेक्टेड विथ माइंड मैप लिटरेचर.